अब इस तरह के सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं जो अगर हम ये ना देखते तो हमारे जहन में आ ही नहीं सकते थे। अच्छा, जी वैसे थिकनेस जो है सर्कल के बाउंड्री की, ये एक जैसी है? थिकनेस एक जैसी है, ये परफेक्ट सर्कल बन गया, दो परफेक्ट सर्कल सर बन गए हैं, ये अच्छा, बिल्कुल एक जैसी है, इनर इनर दो परफेक्ट सर्कल बन गए हैं। तो ये अजीब बात है कि जब नॉन लिनियरिटी आ जाती है तो फिर दोबारा सर्कल की तरफ ही चले जाते हैं हम। जी बिल्कुल, ये डिविनिटी है ना सर्कल की। बिल्कुल अब ये सर्कल में ही घूमता रहेगा बस, हाँ, वो सर्कल कंप्लीट हो गया, सर्कल बिल्कुल उसने ने कर अपनी दिया। बाउंड्रीज बना ली हैं कि मैंने इससे आगे पीछे नहीं होना। हाँ ये बिल्कुल वो अपने वो जो है वो पिंजरे में क्या जादू जादू या हुआ है जैसे खूब वो गडर का एक बन गया जा रहा है ये हमारा, हमने इससे आजादी दी लेकिन ये उधर ही चक्कर लगा के अपने आप को आजाद समझ रहा है। हाँ, ये आजाद समझ रहा है लेकिन है ये इसी पिंजरे के अंदर, तो मतलब इसको पता है कि ये बाउंड्री मैंने क्रॉस की तो ये फिर गुनाह सवाब का चक्कर हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसे ऐसे लग गया है और ये अपने आप को आजाद समझ रहा है कि मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ मुझे कह रहा हूँ तो वो और मौजे करने वाला। इसे इसे वो रस्सा और पिंजरा भी नजर नहीं आ रहा कि जिस रस्से के साथ हमने इसे सी के साथ बांधा हुआ है इनविजिबल है वो, कभी कभी करीब आ जाता है फिर वो स्वाब कमा लेता तो फिर गुनाह की तरफ चला जाता, अभी गुनाह की तरफ चला गया दूर चला गया, अभी फिर करीब आ जाएगा स्वाब की तरफ आ जाएगा लेकिन ज्यादा नेक भी नहीं होता और ज्यादा बद भी नहीं होता, बस यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए इंसान को कि अभी फिर नेकी की तरफ आ गया, थोड़े गुनाह भी कर ले, थोड़ी नेकियां भी कर ले। एंजॉयमेंट हो रही है इसकी, अभी बिल्कुल मैक्सिमम नेकियां हो गई हैं इसकी, मैक्सिमम करीब था अभी फिर गुनाह की तरफ चला गया दूर हो गया। पता नहीं अब ये रिपीट कर रहा है अपने आप को या अभी भी नहीं कर रहा रिपीट। तो बेसिकली रिपीट कर रहा होगा इसीलिए वो स्पेस फिलिंग हो गया, क्योंकि वो जैसे स्पेस फिलिंग पहला चक्कर जब पूरा हुआ ना उसके बाद वो करना शुरू हो गया होगा रिपीट, नहीं, लेकिन स्पेस आप वाला सवाल बड़ा वैलिड है, आपका स्पेस सवाल हाँ स्पेस फिलिंग का मतलब ये नहीं है कि वो रिपीट कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है ये रिपीट ना कर रहा हो, ये वाकई आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, बाउंड्रीज तो उसकी तय हो गई है लेकिन वो हो सकता है रिपीट ना कर रहा हो और कभी भी ना करे ये भी हो सकता ये कैसे चेक कर सकते हैं कि रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा? है, ये तो इसके फिर वो ट्रेस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त तक हम इसके ट्रेस रिकॉर्ड कर चुके होते तो फिर वो हम इसको एनालिसिस कर सकते थे कि रिपीट कर गया कि नहीं कर गया, डिपेंड करता है कि हम इंटरवल कितना ले रहे हैं। नहीं सर ये रिकॉर्ड कर सकते थे ना हम इसके पॉइंट स्प्रेडशीट पे, इंटरवल पे डिपेंड करता है ना। नहीं नहीं सर अगर घंटा चलाते तो घंटे के बाद हम ये उसको किसी तरीके से चेक करते थे कि वैल्यू एक्स और वाई की रिपीट हुई है या कितनी, हाँ वो इंटरवल पे डेफिनेटली करता है कि किधर रिपीट हुआ हुआ है वो वाली वैल्यू, डिपेंड और पता नहीं करना वो पड़ेगा ना उस सर, इंटरवल छोटा करते तो हो सकता है फिर रेपिटेशन खत्म हो जाती या फिर रेपिटेशन शुरू हो जाती, ये भी कोई पता नहीं है। चलें जी जी, अब नहीं आप अपना पेपर लिखें, ये बड़ा जबरदस्त पेपर होगा। अब आप देख लें, ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे एंड वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, उनको भी इस चीज का, उन्होंने भी इस तरह की सिमुलेशन कभी नहीं देखी। जी देख लें। हाँ ये तो जबरदस्त है चीज बन रही है, मुझे तो पूरा यकीन है कि वो आपको जिस तरफ जाना उधर ही जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जन्नत में जाएंगे। नहीं जन्नत नहीं, ये आप रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को, ये तो हमने वो पहले तो नहीं, ये तो एक नई नई चीज आ रही है ना, हम ये बेसिकली ये तो रिपीट कर रहा है उसी सर्कल में लेकिन हम उस सर्कल से बाहर निकले हैं, 2 दिन पहले इस सर्कल में हम आ गए हैं, एक ये हमारे लिए कम से कम मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई चीज है, तो आपके लिए चले, भी आप जरा जल्दी जल्दी लिखना शुरू करें ना इसको। ओके, मैं लिख रहा हूँ ठीक, ओके थैंक यू तो सुहेब साहब हैं? साहब अभी आपको बात करने जल्दी जल्दी तो है भाई को मैसेज करते हैं। जी,
हाँ सर, भाई। कुछ आपने डिस्कस करना है उसका जो आप काम कर रहे थे? जी अच्छा साहब, मैं तो अभी उस पर कर ही रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आप। या कल अगर आपने पूरा नहीं किया तो कल दिखा दें। ये आवाज आ रही है? जी आ रही है। सोच भाई सर कह रहे हैं अगर पूरा नहीं किया तो कल दिखा। सोच भाई आपकी आवाज कल 4:30 बजे दिखा दें। अभी आवाज आ रही है सर? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। सर कह रहे हैं कल 4:30 बजे। कल 4:30 बजे? चले ठीक है जी, चले ठीक है। थैंक यू थोड़ा सा प्रोग्रेस। हाँ ठीक है जी। और आप ताहिर साहब, आप इसको लिखना शुरू कर दें अब। बस मैं लिख भी रहा हूँ लेकिन आज बहुत इम्प्रूव करूंगा इसे। अच्छा जी, ये इनसे सुहेब से पूछ लें, इनको कैसा लगा ये जो हमने आज चीजें की हैं? वो जी बहुत, वो तो जबरदस्त। और वो जो इसमें असल में वो रिकॉर्डिंग में ना उनके जो फिजिसिस्ट साहब हैं उनके भी बातें आ गई, तो वो मुझे अच्छा है। मैंने कहा कि वो भी रिकॉर्ड हो गए क्योंकि वो इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की। वो जो वेव्स, वो जो साउथ पोल से शुरू होकर उन्होंने कहा कि वहाँ तक आती हैं। हाँ जी, बहुत सी ऐसी बातें होती है ना, वो आपको जब आप सुनते हैं तो फिर ज़रा उस पर आपका वो चल पड़ता है, बात चल पड़ता है। ठीक है जी जी, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा है। ओके जी, 4:30 इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।